गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करने कोशिश करते हैं। आइए देखें, हमने क्या पढ़ा था अभी तक। अगर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है, इसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते थे बेटा। तो इन सीरीज टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। और अगर पैरेलल में कनेक्टेड है और है पैरेलल में, ये पॉइंट ए पॉइंट बी जिसके क्रॉस आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, टोटल रेजिस्टेंस। तो इन पैरेलल वन बाय आर ए बी इज इक्वल टू वन बाय आर प्लस वन बाय आर प्लस वन बाय आर। तो अपने इन रिजल्ट्स को ध्यान रखें बेटा, जिससे कि अपने जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कई बार ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा ध्यान दें कैसे हम कर पाएंगे। कह रहा है वी हैव ए वायर, क्वेश्चन को साफ तौर पर लिखता है ना लैंग्वेज। We have a wire of resistance R, जो ये वायर थी बेटा, मान लीजिए ए बी वायर थी कोई, इसका रेजिस्टेंस था R। It is cut into four equal parts, और आपने उसको क्या किया, four equal parts में कट कर दिया। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, We have a wire of resistance R which is cut in four equal parts. These four wires, तो चार वायर थे तो चार डिस्टेंस हो गए हुए, are then connected into parallel. These four wires are then connected into parallel. What will be the total resistance in this combination? Now, what will be the new resistance of these wires? तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं। आपके पास एक वायर थी, किसी लेंथ की, जिसका रेजिस्टेंस आर आपको गिवन था। आपने उसके कुछ पार्ट्स किए, मैं जनरल फॉर्मूला की बातें बता दूंगा। आपने हमारे इस क्वेश्चन में चार इक्वल पार्ट्स में वायर को आपने कट किया और उन चारों पार्ट्स को आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो अब जो नया कॉम्बिनेशन बना है आपको इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो जब आपने इसकी वायर को कट किया तो बेटा इसका लेंथ चेंज हुई कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो इस वायर का होता वही इस वायर का है, लेकिन क्या हुआ, लेंथ कम होती गई, फोर टाइम्स लेंथ कम हुई है। तो जो रेजिस्टेंस है वो भी 4 टाइम्स कम हो जाएगा हर एक वायर का। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, R by 4, इसका R by 4। तो सभी वायर का रेजिस्टेंस कितना हुआ, R by 4, R by 4 है ना, R by 4। Now these resistances are connected in parallel, these resistances are connected in parallel, therefore total resistance कैसे निकालते थे, 1 by RT is equal to 1 by R by 4, 1 by R by 4 which is equal to 4 by R plus 4 by R plus 4 by R and plus 4 by R. तो 1 by RT is equal to 16 by R और RT is equal to R by 16. That will be your answer. Clear है?
If you want to take the screenshot, then take the screenshot. Or if you want to write down, then note it down. Now, अब जनरल फॉर्मूला क्या बना? जनरल फॉर्मूला बनाते देखिए इसका. मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं, ध्यान से सुनिएगा. If a wire of resistance R is cut into n equal parts, and these parts are then connected in parallel, then the total resistance of the combination is R dash is equal to R by N square. Four times 4 square 16, तो R by 16. अगर इस तरीके तीन इक्वल पार्ट्स में आप उसे कट करते हैं और फिर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो R by 9 हो जाएगा. ओके, चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं. ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, कहता बेटा वी हैव ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R. कोई वायर थी आपकी रेजिस्टेंस R की. इट इज बेंट टू फॉर्म ए सर्कल. इट इज बेंट टू फॉर्म ए सर्कल. व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस अक्रॉस इट्स डायमीटर. तो मान लीजिए डायमीटर था ये A, B. You have to find out the resistance across A, B. This is the question. Question को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपको लगभग क्वेश्चन अपने आते होंगे. बस क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे आपको फोकस करना है कि इसने क्या कंडीशन देके कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया. तो इसने क्या कहा कि we have a wire of resistance R. This wire is bent to form a circle. And you have to find out the resistance at the diametric ends. तो diametric ends में resistance कैसे निकालेंगे देखिए. अगर ध्यान से सोचूं मैं, तो जो ये wire जब आपने bend की और ये diameter आपके ends बने, तो आधी wire तो आपकी ऊपर रह गई इस diameter से और आधी wire कहाँ रह गई? नीचे. तो अगर wire की half length ऊपर है, तो इसका resistance भी इसका half हो जाएगा. तो इस वाले part का resistance कितना बेटा? R by 2. और इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस कितना? R by 2. Now check it whether these two resistances are connected in series or in parallel. तो आपने देखा कि ये जो रेजिस्टेंस था इसका एक एंड ये था और दूसरा एंड ये. सिंपली इस रेजिस्टेंस का एक एंड यहाँ है, दूसरा एंड ये है. तो ये दोनों एंड आपस में कनेक्टेड हैं. तो these two resistances are connected in parallel. तो parallel में आपको पता है कैसे निकालते हैं resistance 1 by R AB is equal to R by 2 है. तो reciprocal 2 by R plus 2 by R, that is 4 by R. और जो new resistance आपका बनेगा बेटा 1 by 4 times आपका original resistance बन जाएगा. अब वो value दे दे कि wire of resistance 12 ohm is bent into form a circle, then find out the resistance across the diametric ends. तो कितना होगा? R by 4, that is 12 by 4 and the answer is 3 ohm. ओके, तो जनरल फॉर्मूले आप अपने बनाइए, उसके बाद सारे क्वेश्चंस आपके अपने आप होते चले जाएंगे. बताइए क्या ये बात क्लियर है सभी को? ओके, तो एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है. तो आज हमने दो टाइप के न्यूमेरिकल किए हैं. ओके, कल हम सर्किट के अंदर किस टाइप से रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं और हमारे से कैसे वो क्वेश्चंस पूछता है, कल हम उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे.
ठीक है, आराम से करेंगे क्योंकि अभी आपके बहुत सी चीजें नहीं है, न्यूमेरिकल्स भी आपको ऐसा लगता पता नहीं क्या आपसे पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा आराम से हम इन टॉपिक्स को करते जाइए, वन बाय वन वन बाय वन आप अपनी प्रॉब्लम्स जरूर मेरे से शेयर करें। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।